एस न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए। नमस्कार, आप देख रहे हैं एस न्यूज इंडिया, मैं हूं आपके साथ शिवेंद्र। आईपीएल में धमाकेदार मुकाबले लगातार हो रहे हैं, हम उस पर रोज बात करते हैं। आईपीएल के मैच की छोटी छोटी बातें हम आपको रोज बताते हैं, तो हमारे साथ अजहर रोज जुड़ जाते हैं, आज भी अजहर जुड़ गए हैं। अजहर, आपका स्वागत है। शुक्रिया अजहर। कल का मैच की बात हम करें अगर, तो वैसे तो हम आज के मैच की बात करेंगे, लेकिन वो पहले कल वाला मैच जो हुआ उसकी बात करते हैं। तो उसमें जो कोलकाता है वो बहुत अच्छा खेली, लास्ट का जो उनका बहुत कम देखने को मिलता है कोलकाता इस तरीके का कमबैक करती, जो उन्होंने लास्ट के कुछ 8-9-10 ओवर डाले हैं वो बेहतरीन, बहुत शानदार। तो आपको क्या लगता है कि कहाँ पर कमी रही हारने वाले टीम की, यानी चेन्नई की, क्योंकि चेन्नई पिछले मैच में जो जीती थी वो एक तरफा मुकाबला जीती थी, तो कल क्या कमी रही? जी जी, देखिए अगर चेन्नई की बैटिंग की बात की जाए तो बहुत अच्छा स्टार्ट मिल रहा था फाफ डुप्लेसिस और शेन वॉटसन से, उसके बाद साइडू ने भी काफी अच्छा खेला, आपसे लगभग 10 ओवर में 90 रन पर एक विकेट था, उसके बाद आप उस टोटल को आगे नहीं बड़े मतलब जीत में तब्दील नहीं कर पाया। ये अच्छा लगा देखकर कि महेंद्र धोनी ऊपर नंबर 4 पर बैटिंग करना आए थे, लेकिन वो भी कुछ खास कर नहीं थके, तो मुझे लगता है थोड़ी सी परेशानी उनकी टॉप ऑर्डर का फेल होना ही रहा, डुप्लेसिस हो या फिर उसके बाद राइडू का जल्दी आउट होना, शायद ज्यादा प्रेशर में आ गई थी। जी जी, और मैं पूरा क्रेडिट देना चाहूंगा जो कोलकाता की जो बॉलिंग रही, बैटिंग तो जो कोलकाता की कल बॉलिंग रही, अगर हम शिवम मारी थोड़े से महंगे साबित हुए ना कि एक विकेट उन्होंने लिया, तो कल सभी ने बहुत अच्छी गेंदबाजी करी। पैट कमिंस ने विकेट नहीं लिया, लेकिन इकोनॉमिकल बहुत अच्छे रहे वो, और बैटिंग में तो हम बात करते हैं उस खिलाड़ी के जिसको हम बोल रहे थे कि वो नीचे उतरेगा तो नहीं हो पाया, पता नहीं क्या सोच थी, लेकिन कल वो ओपनिंग उतरा है और नतीजा हमारे सामने, मैन ऑफ द मैच 81 रन, शानदार। तो पॉजिटिव रहे कोलकाता के लिए जो आगे उनको टूर्नामेंट में एक कॉन्फिडेंस देगा। बताएं क्या कॉन्फिडेंस देगा उनको? सॉरी, माफ कीजिएगा, मैं समझा आप कुछ और पूछने वाले। नहीं, मैं ये पूछना चाह रहा था कि अब कोलकाता को एक रिदम मिलेगी आगे, वो इसको जारी रख पाएंगे, क्योंकि राहुल त्रिपाठी का चलना ओपनिंग में बहुत वो है, अच्छा संकेत है, तो इसको कैसे आगे देखती है कोलकाता? राहुल त्रिपाठी की बात की जाए, जैसे उन्होंने अपना आरपीएस यानी कि राइजिंग पुणे सुपर जायंट से खेलते हुए बहुत अच्छी बल्लेबाजी की थी, उन्होंने ओपनिंग स्लॉट मांगे लगभग 3 से 4 या 5 अर्धशतक उस सीजन में उन्होंने लगाए थे, तो बहुत अच्छी बल्लेबाजी करते हुए नजर आए थे। शॉर्ट बॉल पर ऐसा नहीं कि जैसे दूसरे अगर भारतीय बल्लेबाज को देखें तो शॉर्ट बॉल इतनी ताकत नहीं रहती भारतीय बल्लेबाजी की, तो बहुत अच्छा खेलते हैं शॉर्ट बॉल को, पुल लगाना पसंद करते हैं, तो मुझे लगता है ये कोलकाता के लिए बहुत अच्छा मूव रहा कि उन्हें आपने ओपन कराया। लेकिन एक मुझे लगता है सुनील नारायण का जो वहाँ आपने 4 नंबर पर भेजा, थोड़ा सा अजीब फैसला रहा, क्योंकि अगर आपको लेफ्ट हैंडर ही अगर वहां भेजना था तो आप ऑयन मॉर्गन को वहां भेज सकते थे। ये एक और चौंकाने वाला डिसीजन था, पहले हम बात करते ओपनिंग भेज रहे थे वो उसको सुधारा, अच्छा नतीजा रहा, लेकिन मुझे भी लगता है कि जो कोलकाता के पास जो कमी रही रनों की, जो शॉर्टेज रही, वो और अच्छे टारगेट सेट कर सकते थे, वो यही रही कि उन्होंने सुनील नारायण पे ऊपर भेज दिया और इसकी वजह से मुझे लगता है कि एक रिदम बिगड़ गई। तो कुल मिला के एक अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिला, ये अच्छा रहा कि एक बार फिर से टॉस जीतने वाली टीम ने बैटिंग ली और मैच जीती, अच्छा जो वो होता है डिफेंड किया टारगेट को, तो ये अच्छा वो रहा। तो ये ओवरऑल कल का जो मैच का था उसकी छोटी मोटी बातें रही, आज का जो मैच होने वाला है हैदराबाद और पंजाब के बीच, तो इस मुकाबले से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं कि हम अगर इस पंजाब के खिलाफ डेविड वार्नर को देखें, पिछले 8 मुकाबलों में उन्होंने हर इनिंग में लगातार 50 से ऊपर रन बनाए, क्या ये पंजाब के लिए बहुत बुरे संकेत हैं? क्योंकि डेविड वार्नर की अच्छी फॉर्म पंजाब के खिलाफ बहुत बुरे संकेत हैं पंजाब के लिए। जी जी, देखिए अगर आज के मैच की बात की जाए तो आज एक मैदान में 2 मैच खेलते हुए दिख सकते हैं, क्योंकि एक तरफ तो हैदराबाद और पंजाब आपस में लड़ेंगी, तो दूसरी तरफ हैदराबाद
पंजाब की बॉलिंग लाइनअप डेविड वार्नर को सस्ते में आउट करना चाहेगी, क्योंकि अगर पिछले 8 इनिंग की बात की जाए तो 50 से ऊपर स्कोर बनाया है डेविड वार्नर ने, और सबसे ज्यादा रन बनाने वाले बल्लेबाज हैं, इकलौते बल्लेबाज हैं पंजाब के खिलाफ। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट रहेगा आज का ये देखना। और अगर दूसरे अगर मैं एक और कॉन्टेस्ट की बात करूं इसी मैच के दौरान, अगर आज क्रिस्टोफर हेनरी गेल खेलते हैं तो, क्योंकि राशिद खान को मुझे नहीं लगता राशिद खान को इतना किसी ने खेला है जितना अच्छा क्रिस गेल से मैंने उन्हें देखा है खेलते हुए, क्रिस गेल खेलते हुए देखा है। तो मुझे लगता है बहुत अच्छा कॉन्टेस्ट देखने को मिलेंगे ये दो हमें इस मैच के बीच दौरान। जी जी अब ये बहुत मुझे लगता है पंजाब से नीचे चल रही है, उसका जो कॉम्बिनेशन जो शुरू के टूर्नामेंट में हमने देखा था वो बहुत शानदार उन्होंने किया था। हालांकि वो बैटिंग की वजह से उनका स्ट्रॉन्ग रहा है, बॉलिंग की इतनी दमदार ही नहीं। अगर एक आधे बॉलर शमी को छोड़ दें या फिर बीच बीच में अश्विन है या फिर क्या बोलते हैं उसको शेल्डन कॉडरेल है, तो इन्होंने अच्छी करी है, बाकी कुल मिलाकर कंटिन्यूअसली किसी ने अच्छा करा नहीं। तो हम अगर देखें पिछले मैच में जॉर्डन को खिलाया था, तो इस मैच में क्या लगता है कि जॉर्डन को बाहर कर देगी पंजाब, मुजीबुर रहमान को लाना चाहिए? बिल्कुल, मुझे लगता है जॉर्डन की आपको मुजीबुर रहमान को मौका देना चाहिए। बिल्कुल, रन अवे मैच विनर है वो आपके लिए पावर प्ले में ओवर करते हैं आपको। डेथ ओवर में भी एक अच्छा बहुत अच्छा ऑप्शन है, डेथ ओवर में स्पिनर है, भले ही वो स्पिनर है लेकिन जो उनके पास वेरिएशन है, कैरम बॉल हुआ या गूगली हुई लेग स्पिन हुई, तो मुझे लगता है बहुत अच्छा आपको ऑप्शन देते हैं वो। डेथ में हो या फिर शुरू के पावर प्ले में करा लें उनसे, या मिडिल ओवर में भी आप अगर विकेट की दरकार है तो आपको विकेट लेके दे सकते हैं, बहुत अच्छा ऑप्शन रहेगा। जो कॉम्बिनेशन जो है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि उनके कोच जो हैं अनिल कुंबले, उनको मतलब बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, वो एक कॉम्बिनेशन जो होता है ना वो सेट नहीं कर पा रहे हैं कहीं ना कहीं। मुझे लगता है कि उनको एक ऐसा वो सॉलिड सा बैकअप मिल नहीं पा रहा है कि अगर अगर वो स्कॉटरल को खिलाते हैं तो वो महंगे साबित हो जाते हैं, फिर उनको निकाल देते हैं, फिर उसकी जगह पे जॉर्डन को खिला लेते हैं, जॉर्डन भी रन दिखा जाते हैं। तो ये वाला जो उनका कॉम्बिनेशन है वो कहीं ना कहीं मुझे लगता है हिलता नजर आ रहा है, तो ये एक चिंता का विषय है पंजाब के लिए। अगर वहीं हम दूसरी तरफ अगर बात करें कि हैदराबाद की, तो हैदराबाद की बॉलिंग स्ट्रॉन्ग रही है हमेशा से ही, और आज यही उम्मीद करते हैं। लेकिन उनके लिए एक और जो पांचवें बॉलर के कॉम्बिनेशन में है ना, जो खलील और सिद्धार्थ कौल, इनसे में जो चेंज होता रहता है, वो आपको लगता है कि कहीं ना कहीं चिंता का विषय है हैदराबाद के लिए? जी देखिए, भुवनेश्वर कुमार के जाने के बाद ये बहुत बड़ी जो उनके ऊपर दबाव है बॉलिंग में, सारा का सारा दबाव राशिद खान के ऊपर है, क्योंकि सारी जिम्मेदारी उन्हीं के कंधों पर है। अगर भुवनेश्वर कुमार को छोड़ जाए तो कोई भी फास्ट बॉलर ऐसे रिदम में नहीं लगता कि एक अच्छा डेथ ओवर कर सके या फिर नई गेंद से तो विकेट ले सके। अगर संदीप शर्मा की बात की जाए तो वो थोड़ी काबिलियत दिखाते हैं वो नई बॉल से, तो मुझे लगता है आप खलील अहमद को आज मौका मिल सकता है, क्योंकि सिद्धार्थ कौल पिछले मैच में लगभग 64 रन उन्होंने लुटाए थे, तो एक मौका हो सकता है। लेकिन आप T20 मैच बिना फ्रंट लाइन बॉलर के नहीं जीता जा सकता, क्योंकि अभी आप बॉलर को आपको एक बॉलर को खिलाना ही पड़ेगा, आप कहीं ना कहीं से आपको ढूंढना ही पड़ेगा एक पांचवा गेंदबाज। जी जी, और बीच में मुझे लगता है कि हम अगर देखें अगर ओवरऑल, तो जेसन होल्डर एक बहुत अच्छे ऑलराउंडर हैं, तो उनको उनकी जगह बन नहीं पा रही है कहीं ना कहीं। वो चार विदेशी प्लेयर्स का जो फॉर्मूला है उसमें SRH के वो जो होल्डर हैं वो बहुत लंबे समय तक रहे हैं, वो T20 के नंबर रहे हैं, तो ये एक चिंता का मुझे लगता है कि उनको शायद कहीं ना कहीं उनकी तरफ एक बार वार्नर को देखना चाहिए, क्योंकि वो बैट्समैन भी बहुत कमाल के हैं, वो हिटिंग बहुत लंबी लंबी मारते हैं। तो ये आपको कहीं ना लगता है कि होल्डर को कहीं चांस मिलता है? देखिए, अभी तो मुझे नहीं लगता अभी होल्डर को कोई चांस मिलेगा, क्योंकि अभी ऊपर टॉप ऑर्डर में बात करें विलियमसन अभी अच्छा, भले ही उनके दो मैच खराब गए हों लेकिन ऐसा नहीं कि विलियमसन खराब करते हैं, लेकिन अगर उन्हें एक रिदम मिल गई तो विलियमसन आप अच्छा करते हुए दिखेंगे। मुझे लगता है होल्डर की अभी जगह बिल्कुल नहीं बनती है, अगर होल्डर की जगह बनेगी तो विलियमसन को बाहर होना पड़ेगा, ये बहुत अच्छे संकेत नहीं होंगे हैदराबाद के लिए, क्योंकि उनका मिडिल ऑर्डर पहले से बहुत फंसा हुआ है। जी, ये पॉसिबिलिटी है नहीं हैदराबाद की, तो वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि मतलब वो स्कोप हैदराबाद में कहीं ना कहीं दिख नहीं रहा है जो होल्डर को या किसी और विदेशी ऑलराउंडर को इंक्लूड कर सके, क्योंकि वो जो टॉप तीन है बेस्टो वार्नर और केन विलियमसन, तीन तो वहीं पे खत्म हो जाते हैं, और राशिद खान को निकालने का रिस्क अभी लेगी नहीं हैदराबाद, तो ये फंसता हुआ पेच है कहीं ना कहीं। तो ये ओवरऑल एक अच्छा कॉन्टेस्ट होगा। तो हम बात करें, आपसे पूछना चाहूंगा मैं कि कौन से ऐसे प्लेयर हैं जिन पे आज हम दांव लगा सकते हैं कि वो अच्छा करेंगे?
अगर हैदराबाद की बात की जाए तो नो डाउट डेविड वार्नर जिस तरह की ले में अभी वापसी की, उन्होंने पिछले मैच में भी 60 रन बनाए थे, और जिस तरह की फॉर्म उनकी पंजाब के खिलाफ रहती है, तो मैं डेफिनेटली डेविड वार्नर और विलियमसन दोनों से बहुत उम्मीद है मुझे। अगर मैं अपना पर्सनली बताऊँ तो मुझे तो ये उम्मीद रहती है कि हैदराबाद के सभी खिलाड़ी अच्छा करें और ये मैच हैदराबाद की टीम ही जीते। और अगर बॉलिंग की बात करी जाए तो नो डाउट राशिद खान, और राशिद खान के अलावा सिद्धार्थ, माफ कीजिएगा, संदीप शर्मा आप अच्छा करते हुए देख सकते हैं आप। और अगर पंजाब की बात करें तो अगर क्रिस गेल खेलते हैं तो मुझे लगता है क्रिस गेल अच्छा करेंगे आज। जी वहीं बॉलिंग की बात की जाए तो मुजीब रहमान, वही अगर मैं मुजीब रहमान पे भी दाव लगा सकता हूँ, क्योंकि मुजीब रहमान बहुत अच्छे T20 के बहुत नंबर वन गेंदबाज रहे हैं, वो नंबर वन रैंकिंग पे, तो मुझे लगता है मुजीब रहमान खेलेंगे तो वो बहुत अच्छा कर सकते हैं। जी जी ये तो मतलब हम उम्मीद कर रहे हैं कि गेल खेलें, क्योंकि गेल को देखना एक किसी भी एंटरटेनमेंट से कम नहीं है। जब वो छक्के चौके मारते हैं तो सीधा मैदान के बाहर जाते, तो ये अच्छा कॉन्टेस्ट देखने वाला होगा। अगर मैं अपने पर्सनली बात करूं तो हैदराबाद में मुझे लगता है कि आज वार्नर का जो लगा फॉर्म आया है उस तरीके का नहीं आया, लेकिन जो थोड़ा बहुत भी आया है उसको मुझे लगता है वो आगे बढ़ाएंगे, पीछे नहीं ले जाएंगे, क्योंकि बड़े खिलाड़ी हैं वो। और बॉलिंग में बात करें तो बॉलिंग में मैं भी अगर देखूँ तो नटराजन बहुत अच्छा करते आए हैदराबाद के लिए। मुझे लगता है वो उनकी जो यॉर्कर है वो उससे वो आज फिर से कमाल करेंगे। और पंजाब की अगर बात करूं तो मुझे लगता है कि आज मयंक अग्रवाल जो उनका फॉर्म एक आधा मैच में जो छूट गया अच्छा करते हैं, लेकिन वो जो कहीं ना कहीं कम रह गया वो वापस उसी फॉर्म में आ जाएंगे। और बॉलिंग की अगर मैं बात करूं तो मुझे लगता है शमी का जो फॉर्म चल रहा है वो बीच बीच में रन दे देते हैं वो तो, लेकिन आज मुझे लगता है वो अच्छा करेंगे। तो ये अगर हम टॉस की बात करें तो क्या लगता है आपको कि टॉस जीतकर कौन सी टीम क्या चूज करेगी? देखिए अगर SRH की बात की जाए, अगर वार्नर टॉस जीतते हैं तो वो अपनी बॉलिंग को ही बैक करेंगे, क्योंकि जिस तरह वो डिफेंड करना जानती है वो टीम, तो मुझे लगता है डेविड वार्नर टॉस जीत के पहले बॉलिंग ही करना पसंद करेंगे। जी यही मुझे लगता है कि जो भी टीम राहुल हालांकि बॉलिंग ले सकते हैं पर मुझे भी लगता है कि उसी टीम को उसी वो जो टीम टॉस जीते उसको बैटिंग करनी चाहिए ना। हालांकि दुबई में मुकाबला है तो इसलिए और ये चीज बढ़ जाती है, क्योंकि अगर शारजा के मैदान की बात करें तो वहाँ छोटे ग्राउंड होते हैं, तो वहां पे आप एक बार ये रिस्क ले सकते हैं कि सेकंड बैटिंग करें, पर यहाँ पे मुझे लगता है कि पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। तो ये और हेड टू हेड की अगर हम बात करें तो हैदराबाद 10 मुकाबले जीता है, पंजाब 4 मुकाबले जीता है, तो इसमें क्या लगता है आपको कि कहीं ना कहीं राहुल युवा कप्तान है और वार्नर बहुत लंबे समय से कप्तानी कर रहे हैं, तो क्या लगता है आपको कि ये कहीं ना कहीं प्रेशर होगा राहुल पे? राहुल जिस तरह से अगर उनका पिछला मैच देखें, किंग्स 11 पंजाब का, चेन्नई ने 10 विकेट से हरा दिया था, लेकिन अगर मैं इस रिकॉर्ड हेड टू हेड की बात करूं तो इतना प्रेशर नहीं होगा, लेकिन उनका सबसे चिंता यही है कि उनकी बॉलिंग जिस तरह से विकेट नहीं ले पाई थी, कि आज भी अगर ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है तो ये बहुत बेकार होगा पंजाब के लिए। जी तो यही हम बात करते हैं और इसी जो सारे मैचेस होते हैं रोज उसी पे हम बात करते हैं आपसे और आपको बताते हैं कि कौन सा प्लेयर चल सकता है, किसकी फॉर्म अच्छी है, कौन पिछले मैचेस में अच्छा करता है। छोटी छोटी जो बातें होती हैं वो आपको शायद मदद करती होंगी, उम्मीद है इस बात की। और कौन सी टीम टॉस जीतकर क्या चूज करेगी, मैदान क्या रोल प्ले करेगा, ये सारी बातें हम छोटी छोटी करते हैं, आपको बताते हैं कि क्या आप कौन सा प्लेयर चूज करते हैं अगर आप कर सकते हैं अगर आप फैंटेसी लीग खेल रहे हैं। तो इसी तरह रोज हमारे साथ अजहर जुड़ जाते हैं, हम आपको डेली बताते हैं और बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और बेल आइकन दबा दें ताकि आगे की वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको आसानी से मिल जाए।